जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया की। आज मैं भाई दूज के बारे में आपको बता रहा हूँ। भाई दूज का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारतीय जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म और क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं, क्या क्या इसका हमारा सामाजिक, क्या क्या हमारा ज्योतिषीय और क्या हमारा पौराणिक महत्व है, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी बीच में हमारे जो दीपावली के पंच दिवसीय महापर्व का ये पांचवा दिन है, जिसे पूर्णावती का भी रूप ले सकते हैं, पूर्णावती के नाम से संज्ञा भी दे सकते हैं। देखिए प्रिय बंधुओं, भाई दूज इसका अपने आप में दूसरा नाम क्या है, यम द्वितीया। यमराज जी की पूजा मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हमें रूप चतुर्दशी के दिन करनी होती है। अब यमराज जी का संबंध ये भाई दूज से क्यों बना, ये सर्वविदित है कि यमराज जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। हमारी कालिंदी यमुना मैया वो भी सूर्य भगवान की पुत्री है। एक समय पर पौराणिक मतानुसार इसी तिथि के दिन यमुना जी जो यमुना मैया जिन्हें कालिंदी अनेक नामों से जानते हैं, जो वृंदावन जिनके दर्शन भी होते हैं, जो हमारे हिमालय से उद्गम होकर के और इलाहाबाद में जा कर के संगम होती है, ऐसी मैया हमारी गंगा मैया और यमुना मैया के पहले जय बोलते हैं। तो यमुना मैया अपने भाई के पास गई और भाई से बोले, भैया आपकी दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए, तुम्हारा साम्राज्य बना रहे, इस कामना से मैं आपके तिलक करूंगी और राखी बांधना चाहती हूँ। यमराज जी प्रसन्न हो गए, भैया बहन बांध लो, क्यों उनसे छोटी बहन थी। जब छोटी बड़ी का यहाँ यद्यपि संबंध नहीं है, लेकिन शास्त्र विधान में छोटी थी, उन्होंने तिलक कर दिया और राखी बांधी। यमराज जी बोले, बहन आज तुमने मेरे जीवन में खुशी की कामना से मेरे दरबार में आई हो और आपने तिलक राखी की है, तो अब आप क्या मांगना चाहती हो, वरदान मांगो। यमुना जी कितनी महान है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण की पटरानी, इसके बारे में फिर कभी मैं बताऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे बिंदु हमारे सनातन धर्म में छुपे हुए हैं, जिनका वक्त वक्त पर जिक्र हम करेंगे। उनकी बुद्धिमत्ता का तो हम कहाँ तक वर्णन करेंगे, जो भगवान कृष्ण की स्वयं पटरानी, सूर्य के पुत्री हैं। उन्होंने अपने भाई को मनी मन नमन करके कहा, भैया अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो, रत्न मणि जो मांगूंगी तुम दे दोगे, लेकिन वो सिर्फ मेरे जीवन तक सीमित रहेगा। मैं एक ऐसा वरदान मांगना चाहती हूँ भ्राता श्री, कि जो आजीवन रहे और शाश्वत रहे। हमारे धर्मराज जी मुस्कुराए कि बहन तू मांग तो सही है, कि भैया देख आज भाई बहन का त्यौहार है, जो बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक लगाए और तिलक लगा करके उनकी मंगल कामना जो भी करें, जो बहन मांगे, उस सब बहन की इच्छा अपने भाई के लिए सकारात्मक ऊर्जा के लिए आजीवन वरदान दो। और उस दिन अगर कोई बहन भाई यमुना जी में हाथ पकड़ के डुबकी लगाएं, तो कभी भी तुम अपने दरबार में ना बुलाओ। यमराज जी ने दोनों ही वरदान उनको दे दिए, तो हमारी भारत में दोनों ही परंपरा है। आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन जो कोई भाई बहन डुबकी लगाते हैं हाथ पकड़ करके, उनके दरबार में, यमराज के दरबार में दोनों भाई बहनों को नहीं जाना पड़ता। विश्राम घाट विशेष करके जगह है मथुरा में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसी घाट पर करो, यमुना के आदि से लेके और संगम तक, अंत तो कभी हो ही नहीं सकता हमारी यमुना जी का, वो कहीं भी आप डुबकी लगा सकते हो। एक बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि जो भाई बहन तिलक लगाएं, यद्यपि उसके बारे में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, ये पर्व जो होते हैं हमेशा शाश्वत होते हैं, पूरे दिन मान्य है, फिर भी कुछ लोगों की मान्यता है तो चौघड़िया का संदर्भ है, तो उस दिन शुक्रवार इस वार की जो भाई दूज है, विक्रम संवत 2078 साके 1943 तदानुसार हमारी ईसवी मत में 6 नवंबर शनिवार, शायद शुक्रवार में बोलो, शनिवार की पढ़ रही इस बार, तो शनिवार के दिन चौघड़िया आप सबको पता है, पहला काल का चौघड़िया होता है जो 6 से 7:30 बजे, काल के बाद शुभ होता है जो 7:30 बजे से 9 बजे तक है, काल शुभ रोग, फिर रोग कहा जाता है, काल शुभ रोग उद्वेग और चंचल,
ये हमारे 11:36 से 12:24 ये अभिजित मुहूर्त है। इसके बाद चंचल मुहूर्त आ जाता है और 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। इसमें दिन का पूर्वार्ध परार्ध का कोई मन में भ्रम मत करो। जब आपको जिस समय पर पहुंच सकते हैं आप पर उसमें आराम से बड़े भावनापूर्वक अपने भाई की भगवान परमात्मा से दुआ मांगे, यमराज जी का नाम स्मरण करें ताकि आपको और आपके भाई को वो अपने दरबार में ना उपस्थित ना कराएं। देखो उस दिन हमारे भारतीय सनातन धर्म की एक अनेक इतिहासों के आधार पर उसी दिन हमारे चित्रगुप्त जी का जन्मदिन है, जो कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे यमराज जी के पिए हैं। ये सर्वविदित है, उनके वंशज आज हमारे जितने भी जो कायस्थ बंधु हैं उन्हीं के वंशज हैं, ये भी आप सबको पता है। और उसी दिन हमारे विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। विश्वकर्मा कौन थे? हमारे चीफ शिल्पीकार ऑल द वर्ल्ड, संसार के सबसे बड़े क्रिएटिव जो हमारे बने ब्रह्मा जी के बाद और दक्ष प्रजापति के बाद, वो हमारे विश्वकर्मा जी जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है। ऐसे विश्वकर्मा जी का हम ध्यान करें तो हमारे घर में छोटे मोटे वास्तु दोषों का समन्वय हो जाता है। आज की परंपरा में केवल व्यापार में ही लोग विश्वकर्मा की पूजा करना चाहते हैं, ये शायद परंपरा गलत है। विश्वकर्मा की पूजा तो अपने घर में व्यापार में सर्वत्र होनी चाहिए ताकि हर जगह हमारे शिल्प की जो विद्या है, बिना घर के आप रह नहीं पाओगे, वहाँ शिल्प विद्या लगी कि नहीं लगी? दुकान में आपकी शिल्प विद्या वहाँ भी आपके काम आएगी, फैक्ट्री में भी काम आएगी। तो हर जगह विश्वकर्मा की पूजा करें और उस दिन चंद्र दर्शन भी है। प्राचीन समय में आपको याद होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, चंद्र दर्शन यानी कृष्ण पक्ष जब समाप्त हो जाता है और शुक्ल पक्ष जब आरंभ होता है तो प्रतिपदा को चंद्र दर्शन नहीं होते, द्वितीया को चंद्र दर्शन होते हैं। लिखा रहता है पंचांग में चंद्र दर्शन। आपको एक नया रहस्य और बता दे रहा हूँ, चंद्र दर्शन करके अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिए और गलती से चौथ के चंद्रमा के भी दर्शन हो गए तो उसका दोष समन्वय हो जाता है। और चंद्रमा के दर्शन करके अपने बुजुर्गों के पास जाओ, सम्मान्य पुरुषों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, जहाँ तक जा सकते हो उनके चरण छू के आशीर्वाद लो। नहीं तो आपके मोबाइल में टक 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 फ़ोन लगाओ, अपने बुजुर्ग लोगों से अपने बड़े लोगों से मानसिक आशीर्वाद ले ले। यानी समथिंग बेटर देन नथिंग, वहाँ जाकर के निसंदेह आपको आशीर्वाद ज़्यादा मिलता है। किंतु कोई बात नहीं है, आप ना मिलने से कुछ मिलना ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े विद्वानों के कहना है। तो ये हमारे रहस्य हैं भाई द्योज के, यम द्वितीया के दिन के तीनों रहस्य मैंने आपको बताए। आप उस दिन पूजन करें। सभी बहनों से मेरा आग्रह है अपने भाइयों के बारे में बहुत कुछ मांगे, जितना मांग सकते हो उसे ज़्यादा मांगे। भाई खुश रहेंगे, बहनें तुम अपने आप खुश रहोगी। तो अपने भाई की शुभकामना मांगें और शुभकामना मांग के उनको मिठाई खिलाएं। यथासंभव भाई अपनी ओर से, जैसे यमराज ने तो वरदान दिया, यद्यपि माणिक मोती रत्न भी दिए थे उन्होंने, उसकी गणना नहीं आती है। तो आप सभी भाइयों का एक कर्तव्य बनता है कि भाई दूज के दिन अपनी बहनों को प्रसन्न रखें, कुछ अच्छे काम का उनको वचन दें या जो भी आपसे हो सकती है दक्षिणा प्रदान करें, क्योंकि आप सक्षम हैं। जितनी अपनी सक्षमता उसके आधार पर अवश्य दें और साल भर देखेंगे कितना आनंद होगा। नई चीज़ मैंने आपको बताई है, चंद्र दर्शन करके हर महीने का चंद्र दर्शन, ये तो कार्तिक के मैंने प्रसंग के अनुसार बता दिया है। चंद्र दर्शन करें और फिर एक महीने बाद मुझे फ़ोन करेंगे कि ये महीना आपको कितना सुखद और कितना संतोष, कितना उन्नतिप्रद रहा। तो हर महीने की भी चंद्र दर्शन करें, अति उत्तम होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।